पार भारतीय जनता पार्टी अकेले करेगी, और 400 पार का नारा जो है खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था लोगों के बीच। और मैं बार बार कह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इतना कॉन्फिडेंट हैं तो अपने 10 साल के कार्यकाल पे वोट नहीं मांग रहे। लखनऊ रुक करना पड़ेगा हमें, लखनऊ में बीजेपी एसपी कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। देखिए अब ये देखिए जो रुझान दिख रहा है, रुझान का असर सड़क पर कैसे दिख रहा है, कार्यकर्ताओं के बीच कैसे दिख रहा है। बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता लखनऊ में भिड़ गए हैं, तस्वीरें भी हम बहुत जल्द आपको दिखाने वाले हैं। तो लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालांकि जनसभाओं के दौरान भी कुछ ऐसी तस्वीरें हम पहले भी देख चुके हैं, इसके बाद में जब मतदान हुआ कई जगह से पोलिंग बूथों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई जब कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, और अब मतगणना हो रही है तो तब भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आगे आप देखेंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं, क्या कुछ वजह है थोड़ी देर में ये भी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जवाद जी, आप कह रहे थे कि ये अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, टैली पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं इसमें कितने प्लस माइनस आप देख रहे हैं? देखिए जो बताया गया था 293-295 इंडिया गठबंधन जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार ये बनाएगा। तस्वीरें भी आ गई, ये देखिए ये तस्वीर भी आ गई, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो आपस में भिड़ गए हैं। राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजीव, क्या हुआ, क्यों भिड़ गए, कहाँ पर हुआ ये भी बताए। लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर आ रहे रुझानों को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पहले बहस हुई और उसके बाद देखते ही देखते मारपीट वहां पर होने लगी, जिसके चलते एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसे अस्पताल भेजा गया है। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस बल ने फिलहाल वहां पर जो मौजूद कार्यकर्ता थे उनको भगा दिया है।